किसी समझदार इंसान ने बिल्कुल सही कहा है कि कई बार बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयां हार जानी चाहिए। जिंदगी में जितना फोकस करना जरूरी है किसी भी चीज पर, किसी भी लक्ष्य पर, उससे ज्यादा जरूरी आज के टाइम में बन गया है कि आप इग्नोर करना सीख लो, नेगेटिविटी को दूर रखना सीख लो। काम में फोकस तब आएगा ना जब कचरे से ध्यान हटेगा आपका, और कचरे से ध्यान हटाने के लिए कचरे को इग्नोर करना जरूरी है, उसको फील करना बंद करना है। अगर खुश रहना तो इग्नोर करना सीख लो, सक्सेसफुल बनना है तो इग्नोर करना सीख लो, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, इतिहास रचना है, तो इग्नोर करना सीख लो। लाइफ में जितना ज्यादा याद रखना जरूरी है ना, उतना ही भूलना भी जरूरी है। भूल जाने लायक बातों को पकड़ के बैठे रहोगे ना तो आपकी प्रोग्रेस भी वहीं पे बैठी रहेगी। जैसे कल थे वैसे आज रहोगे, जैसे आज हो वैसे कल भी रहोगे। जिनको आदत है ना सब कुछ अंदर डालने की, जिसने बोला भैया अपने दिमाग में डाल, दूसरे कान पे ढक्कन लगा रखा है, बस लोग बोलते जा रहे हैं वो भरता जा रहा है। जिसको सबकी बातों से फर्क पड़ता है वो बंदा हमेशा दुखी रहेगा, वो बंदा लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके दूसरे कान का ढक्कन भी खुला है ना वो बहुत कुछ कर ले। क्यों? क्योंकि वो चीजों को पकड़ के नहीं बैठता, हो उसको पता है कि उसके लिए क्या वैल्यूएबल है, क्या कचरा है, क्या काम की चीज है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको ऐसी 7 आदतें सिखाने वाला हूँ, क्योंकि भाई सब कहते हैं कि नकारात्मकता से दूर रहो, इग्नोर करो, नेगेटिव लोगों को इग्नोर करो, लेकिन करें कैसे ये तो कोई बताता ही नहीं है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप इग्नोर करना सीखो। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपकी डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजों को, लोगों को, नकारात्मकता को आप कैसे इग्नोर करना सीखो, इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ से इस वीडियो की एक भी सेकंड को स्किप मत करना, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो सीख नहीं पाओगे, और एक बार सीख लोगे तो जिंदगी भर काम आएगा। मेरे को ये बताओ, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपके दोस्तों ने बोला कि चलो भाई मूवी देख के आते हैं, आपको पता है कि आपको पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, आपको आपको खतरा पता है, लेकिन उसके बाद भी आप अपनी जिंदगी को खतरे में डाल देते हो। क्यों? मना नहीं कर पाते, वैल्यू मेंटेन करके रखनी है ना, बहुत सारे कारण है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आदत नंबर 1, अगर आपको इग्नोर करना सीखना है तो ये समझना पड़ेगा कि सारा का सारा खेल आपके माइंड का है। आपके साथ कई बार ऐसा होता है कि किसी एग्जाम में आप फेल हो जाते हो, या मान लो बिजनेस में फेल हो गए, किसी रिलेशनशिप में फेल हो गए, आपके मन में एक अजीब सी लड़ाई चलती है, उस वक्त आपको समझ नहीं आता कि आप बाहर के लोगों से या अपने मन से कैसे डील करें। उस वक्त आपको जरूरत पड़ती है पॉजिटिविटी की, सकारात्मक एटीट्यूड। आपको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में हर चीज आपके हिसाब से नहीं हो सकती, और ये पॉजिटिविटी आती है चीजों को, लोगों को नजरअंदाज करके। ये पॉजिटिविटी आ सकती है चीजों को, लोगों को नजरअंदाज करके, आप उस पॉजिटिविटी को फील कर सकते हो। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ इग्नोरिंग समथिंग। पॉजिटिविटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन फॉर योर पीसफुल माइंड। हमारे सामने ऐसी बहुत सारी चीजें आती है जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हमें उनके साथ रहना पड़ता है। आप बुरी चीजों को बदल नहीं सकते, बस आपको उनसे बचने का तरीका आना चाहिए। जिस तरीके से हर वैरायटी के गुलाब में कांटे होते हैं ना, आप तमाम कोशिशों के बाद भी उन कांटों को खत्म नहीं कर सकते, बस उनसे बच करके आपको फूल तक पहुंचना है। ऐसा ही अपने समाज के साथ है, ऐसा ही अपना सोसाइटी के साथ है, ऐसा ही दुनियादारी के साथ है। यहाँ थोड़ा कुछ अच्छा है और बहुत कुछ बुरा है। इसी वीडियो के शुरू में आपको कहा था कि कचरे से ध्यान हटाना ज्यादा जरूरी है आज के टाइम। आपको अपने पॉजिटिव नजरिए को ध्यान में रखते हुए केवल अच्छे पे फोकस करना है, क्योंकि अगर आप हर बुराई से लड़ने लग गए तो आपका सारा टाइम इसी में वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बुराइयां तो बहुत सारी है, सारी एनर्जी आपकी यहीं खत्म हो जाएगी, फिर आप खुद के लिए कैसे कुछ कर पाएंगे। तो आपको ऐसी कंडीशन या ऐसे टॉक्सिक लोगों से बचने का तरीका आना चाहिए, और आपको अपने डिसीजन को लेकर इतना पॉजिटिव रहना है कि अगर आप एक बार फेल भी हो गए ना तो आप किसी की बातों में आकर डिमोटिवेट होकर उसे बंद नहीं करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही फिर से शुरू करेंगे। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिविटी इन योर माइंड। आदत नंबर 2, जितना सीधे बनोगे ना भाई उतना जल्दी काटे जाओगे। ये जंगल का रूल है, यही जिंदगी का रूल है, जितने सीधे बनोगे उतने ही सबसे पहले मारे जाओगे, कोई किसी का नहीं है। जो ज्यादा सीधा और सभ्य बनता है ना उसे ये दुनिया जीने नहीं देती, ये फैक्ट है। इस बात को जितना जल्दी अपने दिमाग में घुसा लोगे ना, लाइफ को खुशी से जीना सीख जाओ। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ना परिवार वाले, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना स्कूल फ्रेंड यार, कुछ नहीं। यहाँ तक कि तुम्हारी आत्मा जो है ना वो भी तुम्हारी नहीं है। एक टाइम के बाद में जब वो उस लेवल तक पहुंच जाती है तो वो भी परमात्मा में मिल जाती है जाके, तो फिर तेरा रोना किस बात का है? मेरे लिए उसने ये नहीं किया, मैंने तो उसके साथ में अच्छा किया था, उसने मेरे साथ बुरा कर दिया। तुम्हारा यहाँ कोई दूसरा नहीं है, देयर इज नो वन एल्स अदर देन यू हु कैन हेल्प यू। यहाँ तेरा अच्छा सिर्फ तू सोच सकता है, इसलिए दूसरों के हिसाब से जीना छोड़ दे। कब तक दूसरों के लिए समझौते करता रहेगा? कब तक दूसरों की जरूरतों के लिए खुद को दुखी करते रहो? आखिर कब तक दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को मारते रहो? इग्नोर करना क्यों नहीं सीखते? इग्नोर करने और घमंड दिखाने में फर्क है मेरे भाई। लोग कहेंगे कि एटीट्यूड आ गया इसको, है ना, घमंड घमंड कर रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है। खुद के एटीट्यूड को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दोगे ना तो कुछ नहीं होगा। लोग आपको कुछ भी कहने से पहले सोचेंगे यार ये ढीठ आदमी, इसको कहने कोई फायदा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपका काम निकल रहा है ना। आदत नंबर 3, जिंदगी में जितना पॉजिटिव रहना जरूरी है उतना ही ना कहना भी जरूरी है।
जो ज्यादा शरीफ सीधे लोग होते हैं वो जल्दी से किसी को ना नहीं कर पाते, वो हर काम के लिए तैयार होते हैं कि यार ले मैं कर देता हूँ तेरी हेल्प। और बाद में यही लोग इस बात के लिए रोते हैं कि हम जैसे अच्छे लोगों के साथ में बुरा क्यों होता है। हाँ भैया, अच्छों के साथ बुरा ही होता है, क्यों नहीं होगा बुरा। लोगों को अपने सिर पे चढ़ाओगे तो लास्ट में मुंह के बल गिरोगे ना, इतना वजन उठा ही नहीं पा रहे हो, इतना उठाओगे। लोग तो तैयार बैठे हैं आपके झुकते ही आपकी गर्दन काटने के लिए, और काटने के बाद ही बोलेंगे कि यार ठीक से नहीं कटवाई, मजा नहीं आया। आप ऐसे लोगों को जड़ से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लोगों से बच तो सकते हो ना यार। मत सुनो उनकी बात, मत मानो वो बात जो वो कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, आपसे नाराज हो जाएंगे, आपका साथ छोड़ देंगे। अरे मर थोड़ी जाओगे उनके बिना, लेकिन अपने लिए तो जीना सीख जाओगे ना। तुम अगर किसी को इग्नोर करोगे तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना ही वो तुम्हें ऐसा करने से रोकेगा, क्योंकि ये वो काम है जो आप कर सकते हो। इग्नोर रहने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, शांत रहने की जरूरत है, चुप रहने की जरूरत है। यार थोड़ा बहुत तो जानवर को भी पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो अगर गलत है उसको मना ही करना है। जिसमें इतनी बुद्धि तो जरूर है, आप तो एक ठीक ठाक इंसान हो, आप में इतनी बुद्धि तो जरूर है कि सही गलत का फर्क जान सको। गलत को गलत बोलने में क्या जाता है, तुम दूसरों के लिए दुनिया में आए हो क्या, दूसरों को खुश करने के लिए पैदा हुए हो क्या, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है क्या, तुम्हारे अपने कोई सपने नहीं है, तुम्हारे अंदर जरा सी भी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। अगर है तो आपका नुकसान हो रहा है भाई, अगर है तो आपका नुकसान हो रहा है भाई, उन्हें इग्नोर करो, थक जाओ या मर जाओ, लेकिन उनसे कभी भी हाथ मत मिलाओ जिनकी वजह से तुम बर्बाद हो जाओगे। पहचानो उन लोगों को आपकी जिंदगी में कौन है। हर सक्सेसफुल इंसान हर दिन सुबह देर से उठने वाली आदत को, आलस को, रातों की नींद को, कंफर्ट जोन को, इन सबको इग्नोर करना सीखो, इन सबको ना कहना सीखो, सीधे बनने की कोशिश मत करो। आदत नंबर 4, छोड़ना सीखो। आगे बढ़ने के लिए क्या सीखना जरूरी है, मैं कहता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ छोड़ना जरूरी है। जब आप ऑटो से जाते हो, टैक्सी लेके जाते हो, ट्रेन से जाते हो तो सामान भर भर के लेके जाते हो, है ना। जब आप फ्लाइट से जाते हो तब आपके पास में लिमिटेड सामान होता है, क्यों, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट के बाद में, एक सर्टेन वेट के बाद में जितना आपका सामान है उसका आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा भैया, हवा में उड़ेगा प्लेन, फ्यूल ज्यादा लगेगा, ज्यादा लोड होगा। तो इसलिए अगर जिंदगी में आप ज्यादा ऊपर उठना चाहते हो तो आपको हल्का होना पड़ेगा। आप लाइफ में टेक ऑफ करना चाहते हो, सक्सेसफुल होकर उड़ना चाहते हो ना, तो आपको अपने दिमाग से बहुत सारी चीजें हल्की करनी पड़ेगी। आजू बाजू वाला क्या बोल रहा है, कौन मेरे बारे में क्या कमेंट कर रहा है, मेरी क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी, ये सबके हैं, आपको उनको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ करके ऊपर उठना पड़ेगा, तभी आप ऊंची हाइट तक उड़ पाओ। आपको खुद अपने विचारों का वजन कम करना है, जितना हल्का रखोगे अपने थॉट्स उतना ज्यादा आप ऊंचा उड़ पाओ। आदत नंबर 5, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आपके साथ गलत कर रहा है उससे आप बदला लो, नहीं, लेकिन आप तुरंत रिएक्ट मत करो, तुरंत एग्रेसिव मत करो, या तूने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, मैं तो तेरे को कुछ नहीं बोला था, मैं तेरे को अच्छा मानता था, मैं ऐसा कहा। आपको रिएक्ट नहीं करना है। हाँ, आपको फर्क पड़ रहा है तो फर्क पड़ने दो, उस चीज को यूज करो, अपने दिल पे बैठ के तो बैठने दो, इट्स ओके यार। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे चैलेंज किया, अब मैं ये करके दिखाऊंगा, उसको थप्पड़ मार के दिखाऊंगा, नो यार, एक सेकंड में निकाल दोगे उस गुस्से को तो फायदा क्या है, वो गुस्सा आपकी जिंदगी बना सकता है। प्यार से बदला लेना सीखो ना। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को ये करके ट्रेन से निकाल दिया, तुम्हारी इस कोच में सफर करने की औकात नहीं है, इसके लायक नहीं हो तुम। और गांधी जी ने क्या किया, बोला तुमने मुझे ट्रेन से फेंका ना, मैं तुम्हें मेरे देश के बाहर फेंक के दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं स्वीट रिवेंज, प्यार से बदला। क्योंकि आपको भारी करने में लोगों की बातों का सबसे बड़ा रोड़ा है, मुझे उसने ऐसा क्यों कह दिया। अरे भाई तू क्या आइंस्टीन की औलाद है क्या, कौन है तू, राजा है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, तुझे कोई नहीं कह सकता क्या कुछ, वो मेरी बात नहीं मानता, फोन नहीं उठाता। करेंगे लोग ऐसे, छोटी छोटी बातों पे डिमोटिवेट हो रहे हो, और चाहिए आपको BMW चाहिए, ऑडी चाहिए, ऐसी छोटी छोटी बातों को, बेमतलब की बातों को खोपड़ी में रखोगे ना तो ये बातें साइकिल स्कूटर दिलाएगी आप। BMW लेने के लिए ना लोहे का जिगरा बनाना पड़ता है, जिस पर सिर्फ उन्हीं बातों का फर्क पड़े जो आपको आगे बढ़ा रही। आदत नंबर 6, थोड़े बहरे बन जाओ, सुनना कम करो थोड़ा। एक तो यार आप सुनते बहुत हो, सबसे बड़ी दिक्कत, आपके बारे में कोई आपसे बात करे ना कि वो यार आपकी तारीफ कर रहा था, अच्छा चल चल बता वो क्या कर रहा था मेरे बारे में, और सुनने का मन करता है। कोई आके आपको बोले यार तेरे बारे में ऐसा बोला था, अच्छा वो ये बोला मेरे पास, और क्या बोला उसने, बहुत इंटरेस्ट है यार आपको सुनने में। जब भी कोई कुछ कहता है आपके बारे में तो उसे कहते कि यार चल और बता, थोड़ा और बता, इतना क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे हो। वो फायदा उठाएगा ना इस बात का, क्योंकि उसे पता है वो कुछ भी कहेगा तो आप सुनोगे जरूर, आपकी आदत है सुनने की। अगर वो अच्छा भी बता रहा होगा ना तो फायदा उठाकर वो आपको गिराना शुरू कर देगा, आपकी बेइज्जती शुरू कर देगा, फिर आपको दुख होगा, आपको बुरा लगेगा। सुनना शुरू तो आपने किया था ना यार, अगर आप शुरू में कहते थे कि भाई तू रहने दे मुझे पता है मैं क्या हूँ, तो अपना काम कर मैं देख लूंगा अपना, तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो 20 मिनट बर्बाद करके आपकी, फिर आपके 20 घंटे और बर्बाद कर। इस पूरी दुनिया में कोई भी आदमी आपकी परमिशन के बिना आपको बेइज्जत नहीं कर सकता, इसलिए आप सुनना बंद कर दे। वो बकबक कर रहा होगा, आप ध्यान ही मत दो ना, थोड़ी देर में उसको लगेगा कि यार मैं किससे, मैं पत्थर से बात कर रहा हूँ क्या, छोड़ो रहने दो। इससे
इसे कोई मतलब ही नहीं है मेरी बात से, क्या करूंगा कह के, अपने आप चल देगा वो खुद आपको इग्नोर करने लग जाएगा, और क्या चाहिए बताओ। आदत नंबर 7, फोकस ऑन योर ऑब्जेक्टिव। कहते हैं कि कई बार बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी लड़ाई हार जानी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके गोल्स बड़े हैं ना, तो जब आप उनको अचीव करने के लिए अपना रास्ता तय कर रहे हो, आपको छोटी छोटी चीजों को लेकर अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव आम का फल है, आम का पेड़ नहीं है, पत्ते नहीं है। आपको मेन टारगेट पर फोकस रखना है। लोगों का काम है कहना, डिस्टर्ब करना, आपका काम है आपका टारगेट अचीव करना, मेहनत करना। छोटी छोटी बातों के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, अपनी एनर्जी अपने ऑब्जेक्ट के लिए लगाओ। जितना बड़ा काम उतनी बड़ी चुनौती, जितना बड़ा गोल उतनी बड़ी प्रॉब्लम। अगर आपने खुद के लिए बहुत कुछ सोचा है तो ये नॉर्मल सी बात है कि प्रॉब्लम्स तो आएगी, लेकिन आपको भटकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। याद रखना है कि मैंने ये काम इस टारगेट को अचीव करने के लिए शुरू किया था, जब तक मुझे ये नहीं मिल जाता ना, मुझे कैसा भी खाना, कैसा भी रूम, कैसा भी पड़ोसी, सब चलेगा, लेकिन मंजिल मेरे पास ना हो ये नहीं चलेगा, मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना ही है। सो बी कॉन्फिडेंट, बी फोकस्ड। फालतू के लोगों को, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करके जो तुम्हें करना है, जहां तुम्हें जाना है, जो अचीव करना है वो अचीव करके